हेलो स्टूडेंट्स, आज के हमारे फिजिक्स के स्टूडियो लेक्चर में हमारा जो टॉपिक है कि रेनबो कैसे बनता है, रेनबो हमको कैसे दिखता है। हम देखते हैं कि मॉनसून के सीज़न में जब बारिश होती है तो आपको रेनबो देखने को मिलता है। तो ये रेनबो कैसे बनता है, उसके लिए क्या होना ज़रूरी है, तो बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें सन रेज होने ज़रूरी है और वाटर ड्रॉप होना ज़रूरी है। इसमें एक कंडीशन है, जब भी मुझे रेनबो दिखता है, मान लो कि मुझे यहाँ पे रेनबो दिखता है ऐसे, तो मैं ऑब्जर्वर यहाँ पे हूँ, सन रेज मेरे पीछे होने चाहिए और वाटर ड्रॉप मेरे आगे होने चाहिए। एक कंडीशन है, सन शुड बी ऑलवेज बैक ऑन द ऑब्जर्वर। सन कहाँ पे होना चाहिए, बैक साइड, एंड रेन ड्रॉप ऑलवेज फ्रंट साइड ऑफ द ऑब्जर्वर। वो फ्रंट में होने चाहिए, सन यहाँ पे होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, सन मेरे पीछे है और रेन ड्रॉप यहाँ पे है, तब भी मुझे रेन ड्रॉप देखने को मिले, मतलब रेनबो देखने को मिलेगा। ये उसकी मस्ट कंडीशन है। ओके, अब यहाँ पे रेनबो कैसे बनता है और हमको कैसे देखने को मिलता है। आप देखते हो कि रेनबो आपको ऐसे आर्क फॉर्म में देखने को मिलता है, पूरा सर्कल नहीं होता है, ऐसे आर्क होता है। ओके, ऐसे कर्व होता है। तो वो कैसे बनता है, उसके लिए यहाँ पे मैंने दो डायग्राम ड्रॉ किए हैं। इस डायग्राम को आपको अच्छे से समझना है और रेनबो कैसे बनता है वो देखने को। अब यहाँ से मान लो कि यहाँ पे ये सन है, सन में से एक रेज निकल रही है, बहुत सारी रेज निकल रही है, पर हमने इसको समझने के लिए एक रेज लिया है। अब ए रेज जो है यहाँ पे आई और यहाँ से बारिश हो रही है, तो एक वाटर ड्रॉप है। ये क्या है, वाटर ड्रॉप, ये वाटर ड्रॉप है। अब जैसे वाटर ड्रॉप, ये वाटर ड्रॉप का सरफेस है, ये जो रेज है वो वाटर ड्रॉप को इस सरफेस पे स्ट्राइक करती है, यहाँ ऊपर की तरफ। ये वाटर ड्रॉप है, यहाँ पे इसने स्ट्राइक किया, यहाँ पे ऐसे। जैसे इसको स्ट्राइक करती है तो ये हमने एक लाइन ड्रॉ की और इस लाइन के परपेंडिकुलर पे हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया। ये क्या है, नॉर्मल, आप देख सकते हो। अब नॉर्मल से जैसे यहाँ पे क्या होगा, रिफ्लेक्शन। ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है। इनसाइड द ड्रॉप, ड्रॉप पूरा ऐसे पानी से भरा हुआ होता है, तो ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है। डेंसर मीडियम में जैसे रेज एंटर करती है क्या होगा, टूवर्ड्स दी नॉर्मल बैंड होगी। तो ये जो नॉर्मल है उसके टूवर्ड्स दी नॉर्मल बैंड भी जैसे वो दोनों ऐसे स्ट्रेट जा रही थी, उसको जाना कहाँ पे था, ऐसे, पर वो इस तरह बैंड हो गई। अब जब बैंड हुई तो हमने देखा कि उसमें कितने कलर्स होते हैं, सन रेज में कितने कलर्स होते हैं, मैनी कलर्स, बट ओनली 7 कलर्स वी आर इनविजिबल, मतलब हम देख सकते हैं। कितने कलर्स देख सकते हैं, 7 कलर्स। ह्यूमन जो है वो सिर्फ 7 कलर को देख सकते हैं, क्योंकि वो जो 7 कलर्स की वेवलेंथ है वो विजिबल वेवलेंथ में इंक्लूड हो जाती है, 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। ओके, यहाँ पे एक पॉइंट में आपको समझना है कि जैसे ये यहाँ पे आए तो इसमें से ए रेज रेड और ब्लू, ये क्या हो गया, रेड और ब्लू, रेड यहाँ पे पहुंच गया और ब्लू यहाँ पे पहुंच गया। इसमें से कौन ज्यादा बैंड हुआ, ए नॉर्मल है, नॉर्मल से ए इतना और ए इतना, कौन ज्यादा बैंड हुआ, तो हमने देखा कि नॉर्मल से ज्यादा कौन बैंड हुआ, ब्लू। और आपने देखा था, हमने प्रिज्म में देखा था कि यहाँ से आप, ये प्रिज्म है, ये नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, ये रेज एंटर करोगे ऐसे बैंड होगी, यहाँ पे आपको 7 कलर मिलेंगे।
नीचे कौन सा होता है वायलेट, ऊपर कौन सा होता है रेड। तो रेड कम बैंड होता है और वायलेट या ब्लू ज्यादा टर्न होते हैं। तो एक ब्लू है और एक रेड है। अब यहाँ पे ये हमने फिर से एक नॉर्मल ड्रॉ किया यहाँ। अब ये जो एंगल है वो इस नॉर्मल के साथ ऑटोमेटिकली इतना एंगल बनता है, कितना, मोर देन क्रिटिकल एंगल। जब मोर देन क्रिटिकल एंगल होगा तो कौन सी सिचुएशन देखने को मिलती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे ये आप देख रहे हो, यहाँ पे ये जो एंगल है, ये वाला एंगल वो मोर देन क्रिटिकल एंगल है। तो यहाँ पे क्या हुआ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करके ई रेज यहाँ पे पहुंच गई, ई रेज यहाँ पे पहुंच गई। अब यहाँ से हमने देखा कि एक ही बार यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, अब वो एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा नहीं बनता, तो सीधी रेज यहाँ पे। हम यहाँ से देख रहे हैं तो हमारे यहाँ पे दोनों रेज ऐसे एंटर की। अब हमारी आंख के साथ ये जो एंगल है ए रेज का, ये कौन सी है, रे रे जो एंगल है वो कितना बनता है 42 और ए कितना बनता है 40 डिग्री। मीन्स आपको याद रखना है कि यहाँ से आपने नोट किया कि ये जो एंगल है 40 डिग्री पर 42 डिग्री, इतना ही सेकेंड होता है हमारे रेज के साथ, इससे ऊपर नीचे नहीं होता है। अब हमने क्या किया, इसको बैक किया, ये हमारी आंख में ऐसे एंटर करती है, हमने इसको बैक किया तो हमको यहाँ पे रेड देखने को मिलता है और यहाँ पे क्या देखने को मिला, ब्लू। और यहाँ पे ऊपर क्या होता है, रेड, नीचे क्या होता है, वायलेट और ब्लू। तो ए हमको ऐसे क्या देखने को मिलता है, रेनबो। तो यहाँ पे ऐसे रेनबो मिलता है। आप यहाँ से ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे ए एंगल एक वाटर ड्रॉप है, उसका ब्लू, उसका ब्लू, इस वाटर ड्रॉप का ब्लू, इस वाटर ड्रॉप का ब्लू, सब यहाँ से इतना एंगल बनाते हैं 40 डिग्री 40 डिग्री 40 डिग्री या 42 डिग्री। यहाँ से ये आप देख रहे हो रेड का कितना 40 40 40 40, इतना, ओके। तो ऐसा नहीं होता है यहाँ पे, फिर यहाँ पे ऐसे नहीं होता, वैसे आर्क होता है। आर्क में आप देख सकते हो यहाँ से ए एंगल ए डिस्टेंस इक्वल होगा। तो यहाँ पे सिर्फ एक वाटर ड्रॉप से रेनबो नहीं देखने को मिलता, ऐसे बहुत नंबर्स में वाटर ड्रॉप होते हैं, सबके साथ अगर एक पोजिशन होती है तो हमको रेनबो देखने को मिलता है। यहाँ पे कितनी बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, 1 टाइम, इसीलिए इसको बोलते हैं प्राइमरी। क्या बोलते हैं, प्राइमरी। अब दूसरा यहाँ पे देखिए, ये हमने यहाँ पे नोट किया है, यहाँ पे वाटर ड्रॉप को रेज ने किस तरफ स्ट्राइक किया, ऊपर की सरफेस पे। यहाँ पे ए एक वाटर ड्रॉप है, ए भी क्या है, वाटर ड्रॉप। इसमें रेज यहाँ पे स्ट्राइक करती है और यहाँ पे स्ट्राइक करेगी, इसको यहाँ पे जाना था पर ऐसे स्ट्राइक की तो इसमें से दो अलग होते। देखिए इस सरफेस में ये हमने एक लाइन ड्रॉ की यहाँ पे और इसके साथ। अब आप में से मुझे कोई बताएगा कि इसमें रेड कौन सा है और ब्लू कौन सा है, कौन ज्यादा बैंड हुआ। एक हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया है इस सरफेस के साथ, तो यहाँ से ये आप देख रहे ऐसे जा रही थी, ऐसे बैंड हो गई, ऐसे बैंड हो गई। तो ए क्या है, रेड, ए क्या है, रेड कहाँ पे पहुंच गई, यहाँ पे, ब्लू कहाँ पे पहुंच गई, यहाँ पे। अब ए जो रेड है यहाँ से वो के यहाँ पे आ गया और ब्लू जो है यहाँ पे आ गया और दोनों को पैक किया, तो ये ब्लू है और ये रेड है। तो यहाँ पे फिर से ए क्या है, रेड, ए क्या है, ब्लू, यहाँ पे ये रेड जा रही है और ये ब्लू। चलो यहाँ पे आया, फिर से ए एंगल जो है बन रहा है वो एंगल मोर देन क्रिटिकल एंगल हो गया, तो क्या हुआ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एक बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ यहाँ पे आया, अब ए एंगल भी ऑटोमेटिक मोर देन क्रिटिकल एंगल हुआ, तो फिर से क्या हुआ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होता और वो हमारी आंख में एंटर करते हैं। यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है 50 और यहाँ पे कितना बन रहा है 53 डिग्री, दोनों को बैक किया,
कितना है 42, ए कितना है 40 डिग्री। ओके, जब यहां से आप देखेंगे तो ए 50 और 53 डिग्री, इसमें कितनी बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, 2 टाइम्स, तो इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी जो रेनबो होता है। पर नॉर्मली 2 बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं हो पाता, कभी कभी देखने को मिलता है, पर 90% हमको क्या देखने को मिलता है, प्राइमरी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के जो रेनबो देखने को मिलता है वो ऐसे बनता है। तो दोनों डायग्राम आपको अच्छे से देखने हैं, समझने हैं, और कैसे रेनबो देखने को मिलता है वो समझ में आए। यहाँ पे 2 ही कंडीशन हो सकती है, या तो ऊपर की सरफेस को स्ट्राइक करेगा या नीचे की सरफेस को, ऐसे बीच में जाएगा तो रेनबो नहीं बनेगा। तो दोनों डायग्राम आपको अच्छे से ड्रॉ करने हैं, समझने हैं, प्राइमरी क्या है, सेकेंडरी क्या है, प्राइमरी